हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ, चैप्टर नंबर 14। नाम है चैप्टर का दो गज जमीन। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। बेटा सोना एक किसान था, काफ़ी खुशहाल था वह। उसके पास गुजारे के लिए काफ़ी ज़मीन थी, बड़ी मेहनत से खेती करता था। जब अपनी लहलाती फसल को देखता तो उसका मन खुशी से नाच उठता था। गांव में अधिक जमीन सोना के ही पास थी, वह सबसे अधिक संपन्न था, इसलिए गांव के लोग उससे जलते भी थे। वह कई बार अपने जानवर उसके खेतों में चराने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। एक दिन सोना अपने घर के बाहरी दलान में बैठा था, तभी एक परदेशी उसके घर के सामने से गुजरा। उसने सोना को बताया कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के पास से आ रहा है, वहाँ नई बस्ती वाले हर आदमी को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त दी जा रही है। वह ज़मीन यहाँ की ज़मीन से अधिक उपजाऊ है, वहाँ का किसान जल्दी उन्नति करता है और धनी हो जाता है। सोना अपने गांव के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही, उसने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चल दिया और उस स्थान पर पहुंच गया। वहां के लोगों ने उसका स्वागत किया। गांव की पंचायत ने उसे 100 एकड़ ज़मीन पट्टे पर दे दी। अब वह पहले से भी अधिक मेहनत से खेती करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह बहुत बहुत संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया, उसने बहुत से पशु भी खरीद लिए। वह आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ समय बाद सोना को लगने लगा कि उसके पास पर्याप्त ज़मीन नहीं है, और कुछ और ज़मीन होती तो वह और नेक्स्ट पेज वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। मनुष्य का स्वागत स्वभाव ही ऐसा है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है। कुछ दिन बाद कहीं जाता हुआ एक सौदागर रात हो जाने के कारण सोना के घर ठहर गया। रात को खाना खाकर दोनों बातें करने लगे। बातचीत में ज़मीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि वह नदी पार से आ रहा है, वहाँ इतनी ज़मीन है कि जितनी चाहो जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही सोना की आंखें चमकने लगीं। वह नदी के उस पार ज़मीन हथियाने के सपने देखने लगा। सोना ने वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए उसने मिठाई, कपड़े और दूसरी वस्तुएँ खरीदी। फिर घर की देखभाल का कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन यात्रा करने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। उसने देखा कि नदी किनारे ज़मीन ही ज़मीन है, लेकिन सब खाली पड़ी है। वहां के लोग खेती नहीं करते थे, उनकी जीविका का आधार पशुपालन और शिकार थे। वे लोग सीधे सरल थे। सोना उनके मुखिया से मिला और अपने साथ लाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें उनको भेंट की। मुखिया बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उत्साह से सोना का स्वागत किया। सोना ने मुखिया को अपने आने का उद्देश्य बता दिया। मुखिया ने कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की ज़मीन ले लो। सोना ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? मुखिया ने उत्तर दिया, 10,000 रुपये प्रतिदिन। सोना चकरा गया, वह कैसा हिसाब? उसने कहा, मेरी समझ में हिसाब नहीं आया। मुखिया बोला, सीधा हिसाब है, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ज़मीन तुम्हारी, इसके बदले में तुम्हें कुल 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक शर्त और है, अगर तुम जहाँ से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले ना लौट पाए तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और दूर तुम्हारे 10,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। सोना ने सोचा, दिन भर में तो बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। उसने तुरंत मुखिया की शर्त मान ली। उसे रात भर नींद ना आई, वह ज़मीन के बारे में ही सोचता रहा। एक दिन मैं कई किलोमीटर चल लूँगा, उसने काफ़ी ज़मीन आ जाएगी। उसे जोतने के लिए कम से कम 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत पड़ेगी, कई आदमी रखने पड़ेंगे। सारी रात इसी तरह से सपने बुनते हुए बीत गई। सवेरे उठकर सोना ने अपने आदमी को जगाया और गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। वह स्वयं लोगों को बुलाने गया। लोगों को इकट्ठा होने तक मुखिया भी आ गया।
सोना एक मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी मना कर दिया। मुखिया सोना को लेकर एक टेकड़ी पर पहुंचा। उसने अपनी रोएदार टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं वापस आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी जमीन तुम घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। सोना ने 10,000 रुपये टोपी पर रख दिए। उसने एक रूमाल में रोटियाँ रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। अपनी धोती कसकर और आस्तीन चढ़ाकर वह चलने के लिए तैयार हो गया। वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि पहले किस दिशा में जाएं। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था। वह पूर्व दिशा की ओर चल थोड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके शरीर में फुर्ती आ गई। अब वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, टेकड़ी पर खड़े लोग चींटियों की तरह दिखाई पड़ रहे थे। धूप में गर्मी आ गई थी। उसे खाने की याद आई तो उसने खाया नहीं। उसने कमीज उतारकर कंधे पर डाल दिए, जूते उतारकर धोती में घोंस लिए। अब उसके चलने की गति तेज हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा, काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो गया और उसे प्यास भी लग रही थी। उसने उस स्थान पर गड्ढा बना दिया जिससे पता चल सके कि वह वहाँ तक गया था। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ गया, जिससे जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता, वह आगे बढ़ता जाता। दोपहर हो रही थी, सूरज उसके सिर पर आ गया था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव कर रहा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। उसने रुमाल से रोटियां निकाल कर खाई और पानी पिया। वह बैठा रहा, लेटा नहीं, डर था कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने में शरीर में शक्ति आ गई थी। उसने फिर चलना आरम्भ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने वाला था कि उसे ज़मीन का एक उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे भी नाप लिया। वह गड्ढा खोदकर अपना निशान बना दिया। वह फिर मुड़ गया। उसने टेकड़ी की ओर देखा पर दिखाई तेज़ी से कदम बढ़ाए। वह कठिनाई से 3 किलोमीटर ही चला था कि उसने देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकड़ी के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उसने दिशा में आगे बढ़ना उचित ना समझा। उसने वहाँ पर भी गड्ढा बनाया। अब वह सीधे टेकड़ी की ओर बढ़ने लगा। सोना बहुत थक गया था। उसके लिए आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठती ना थीं। सूरज ढल रहा था इसलिए आराम करने के लिए समय ना था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसने कमीज जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। उसे बस यही चिंता थी कि सूरज डूबने से पहले वह टेकड़ी तक कैसे पहुँचेगा। वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि थकान के कारण वह गिरकर मर ही न जाए, पर उसने दौड़ना बंद ना किया। वह उन लोगों के सामने जाकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज शिक्षित में समाया जा रहा था। सोना भी अपनी मंजिल के निकट आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। टेकड़ी पर रखी टोपी और उसके पास बैठा मुखिया उसे साफ नजर आ रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूरज की ओर देखा। सूरज धरती के नीचे धंसने लगा था। सोना जान गया कि टेकड़ी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुँह से चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। नेक्स्ट पेज। टेकड़ी पर खड़े लोग उसे अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और उसको सूरज अब भी दिखाई दे रहा था। सोना ने देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और आंखें बंद करके वह टेकड़ी की तरफ दौड़ा। टेकड़ी के पास पहुंचकर वह मुंह के बल गिरा और उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ टेकड़ी पर रखी मुखिया की टोपी तक पहुँच चुके थे। मुखिया ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन नाप डाली है। सोना को नौकर दौड़कर आया। वह सोना को उठाने लगा। सोना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। मुखिया के आदमी भी दुखी और उन्हें सोना पर हंसी आ रही थी। नौकर ने सोना के लिए कब्र खोदी और उसे दफना दिया। सोना के लिए अब केवल 2 गज जमीन ही काफ़ी थी। तो ये इनके लेखक हैं टॉलस्टॉय। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की हमने स्टडी कर ली है। क्वेश्चन आपको जल्दी ही मिल जाएंगे।